पर छोड़ दिया। अंतों के नाम पर फैसला भाई सुरबली यादव जी की तरफ से है 5,000 रुपया 90,000 रुपया हो गया। समय देख लीजिए तो मैं क्या चलिए कुश्ती देखिए साथियों, एक बता दें जानकारी दे दें, यही कुश्ती हम लोग छाटे थे गाँव में। शंकर पहलवान बैठे हैं लेकिन अभिनायक पहलवान को डेंगू हो गया था। अच्छे हो, बड़े हो, डिसीजन सही होना चाहिए। और इतने ही बड़े कोच हैं भाई वेद प्रकाश जी, भरोसा वेद प्रकाश जी पर, भैरव को साहब पर, सुरेंद्र पटेल पर। जब ये लोग चलते हैं मैं पर, तो आप लोग चिंता करने की बात नहीं है। नए विश्वास है, संजय बाबा है, सुरेंद्र है, तमाम लोग हैं, ये सब लोग चलते हैं तो हमें चिंता नहीं होती। चलो शांति। एक तरफ पट्टी बांधा हुआ यही का आपके मिर्जापुर के बगल गाजीपुर पड़ता है, जहां के भाई राजेश सिंह दौरी जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, वही का पहलवान है लेकिन दिल्ली में जोड़ कर रहा है। और इस साल उत्तर प्रदेश केसरी हुआ था हक्काबाद में, गोरखपुर में 25 और 26 नवंबर को मैं वहां संचालन कर रहा था। और जब फाइनल कुश्ती हो रही थी साथियों, मैं बता दूं 1,00,000 रुपये का इनाम था वहां पर। शाबाश, जब फाइनल कुश्ती हो रही थी अर्जुन की और रितेश की, तो लगा कि कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। कोई साहब लड़ने दीजिए, दोनों मिट्टी वाले हैं, पकड़ ले, पता क्या पकड़ने दीजिए, लाभ कर दीजिए दोनों परवानों के लिए जागे लाओ। हाँ कुछ होवे चाहिए, 85,000 जुटाई सबके बस के बात नहीं हो, केवल मुहे से कह दली हो गए, तालियां बजाइए भाई, 90,000 हो गए। बारह चुनाव हम तो जा रहे चुनाव बस किलवे हो, हाँ नैना कर यही के कहा सुनकांता में, हाँ यही में पैसा, अरे बारे में हाँ वैसे नहीं वैसे, एक मिनट तक नीचे बैठने का है, एक मिनट, एक मिनट चला। दंगल देखे, दंगल करावत ऐसा, हाँ तो ऐतिहासिक दंगल हुआ, सुबह 12 बजे से दंगल चालू है, दोपहर 12 बजे से। अच्छा बजा है 12 बार नरेश भैया, 12 कमेटी के लोग पैसा कहां टूट पौले है, एक आध पैसा बेचे के ना हो ध्यान दे। हाँ भाई कुछ ऐसे दंगल हो रहे हैं, कुछ लोगों की सुन लेंगे, अभी कई जगह दंगल हुआ। शाबाश अभिनायक और रितेश, यह कुश्ती जैया चुनाव में दंगल था, कैलाश भैया बैठे हैं, और इसी दंगल की बात मैं कह रहा था, कैलाश भैया इसी रितेश की कुश्ती अभिनायक से होने जा रही थी, लेकिन रितेश गलती किया, लेट आया, अभिनायक की कुश्ती भी से हो गई। शुरुआती सीजन में नहीं बताऊंगा कौन जीतता कौन हारा। तो फैसला तो हो गया लेकिन रितेश की कुश्ती अभिनायक से हम लोग वही बांध दिए थे, कहीं भी आओगे कुश्ती होगी, और चुनाव में थी 8 नवंबर को, लेकिन अभिनायक को डेंगू हो गया और वास्तव में डेंगू